पिछले सप्ताह नई दिल्ली में शास्त्रीय संगीत समारोहों की शुरुआत हुई। इनका आरंभ प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उस्ताद राशिद खान के कार्यक्रमों से हुई। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में शास्त्रीय संगीत से जुड़ा 5वां सालाना समारोह लेजेंड्स ऑफ इंडिया शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह की सुरमई शुरुआत ओडिसी नृत्य से हुई। इस साल सारंगी सम्राट उस्ताद काबरी खान को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। उस्ताद राशिद खान की गायकी ने तो मानो पूरे समारोह में चार चांद लगा दिए। लेकिन बांसुरी के जादूगर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात ही निराली थी। शास्त्रीय संगीत के इस 3 दिवसीय संगम में जाने माने गायक और वादक अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। शास्त्रीय संगीत के इस समारोह के तहत एक अन्य सत्र में भारतीय संगीत की 4 नामी गिरामी हस्तियों ने मंच पर एक साथ आकर अपने संगीत का जादू बिखेरा। ये श्रृंखला देश में पारंपरिक संगीत के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित की जा रही है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में लेजेंड्स ऑफ इंडिया समारोह के तहत वार्षिक संगीत सम्मेलन के दूसरे दिन सितार और पियानो की स्वर लहरियों तथा तबला वादन ने श्रोताओं को बांध लिया। संगीत में शाम की शुरुआत सितार पर प्रतीक चौधरी और तबला पर पद्मश्री उस्ताद शफत अली खां की जुगलबंदी के साथ हुई। इसके बाद तो एक अलग ही तरह की संगीत यात्रा शुरू हुई। शिवमणि के पर्कशंस की मधुर गूंज और जैज संगीत के पितामह लुई बैंग के शानदार प्रदर्शन ने संगीत प्रेमियों का मन मोह लिया। और जब चारों उस्तादों ने एक साथ मंच संभाला तब तो एक अद्भुत ही समा बन गया। सितार वादक प्रतीक चौधरी, पियानो वादक लुई मैंग और शिवमणि और उस्ताद शफत की जुगलबंदी ने एक ऐसा जादू बिखेरा कि हॉल में मौजूद हर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गया। संगीत की ये जादुई शाम श्रोताओं को लंबे समय तक याद रहेगी।